नमस्कार दोस्तों, आजकल न्यूज़ में मनी लॉन्ड्रिंग हर जगह पे न्यूज़ में है। जानते हैं आज मनी लॉन्ड्रिंग है क्या? ड्रग ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, क्राइम्स, ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ के द्वारा कलेक्ट किया गया मनी अगर बैंकिंग सिस्टम में कैश फ्लो में इंटीग्रेट कर दिया जाए और उसे ऑफशोर बैंक्स में ट्रांसफ़र करके इन्वेस्ट किया जाए लग्जरियस एसेट में या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में या कमर्शियल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में, और पता ही नहीं चले कि ये इलीगल मनी है, तो उसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। इस तरह का मनी लॉन्ड्रिंग मनी कम से कम 5% ग्लोबल जीडीपी का माना जाता है। इम्प्लीकेशंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। सबसे पहले प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग क्या है? इसमें देखा गया कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा था, नया टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू वेपन्स, ड्रग्स, मनी सप्लाई कर रहे थे। इस तरह से ड्रोन्स को शूट आउट करना और भी चैलेंजिंग हो जाता है। प्रोलिफरेटिंग फाइनेंस के थ्रू अगर न्यूक्लियर मटेरियल्स अगर टेरर आउटफिट्स के हाथों में चले गए तो रोकना थोड़ा मुश्किल हो सकता है और नेगोशिएट करना और भी टफ हो सकता है। ऐसे न्यूक्लियर मटेरियल्स को वेपन्स ग्रेड मास डिस्ट्रक्शन के लिए प्योरीफाई किया जा सकता है। और इस तरह से केमिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स। हाल ही में देखा ही होगा यूक्रेन और रशिया की वॉर में, यूक्रेन में रशियन टैंक्स किस तरह से यूक्रेन के कुछ सिटीजन्स या कुछ लोगों द्वारा ले जाया जा रहा था। उसी तरह से यूएस के द्वारा भेजे गए मदद मिसाइल्स वगैरह डार्क नेट टेररिस्ट के हाथों खुलेआम लग सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग सिर्फ फाइनेंशियल कैश फ्लो या टैक्स ही नहीं बल्कि वाइल्ड लाइफ, नेचुरल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स नहीं लगते हैं और यही वजह है कि बहुत सारे मनी लॉन्ड्रिंग का फ्रेमवर्क इस्तेमाल करने वालों के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करने का सुनहरा मौका मिलता है। एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, उसमें एक फीचर रहता है ड्यूटी फ्री। उसके अंतर्गत इम्पोर्टर्स क्या करते हैं, दूसरी कंट्री में एक कंपनी को रजिस्टर करते हैं, गोल्ड कंपनी, और वहाँ से इम्पोर्ट करवा कर हाई अमाउंट और इन्वॉइसिंग करवा के यहाँ का सारा कैश उस तरफ कैश फ्लो होता है। बढ़ते हुए क्रिप्टो करेंसी वैल्यू को देखते हुए साइबर क्रिमिनल्स, रैंसम अटैक्स और मनी लॉन्ड्रिंग के एक्टिविटीज बढ़ चुके हैं। EMB-145 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल प्रोजेक्ट, इसमें मिडिल मैन को होने का और हाई कमीशन प्राइसिंग का केस रजिस्टर किया गया है। और ये कॉन्ट्रैक्ट इंडिया और ब्राज़ील के बीच में हुआ था। उसी तरह का दूसरा एग्जाम्पल अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम। एक तरह का VVIP चॉपर्स खरीदने का डील थी जिसे 2014 में उसे कैंसिल कर दिया गया था। सबमरीन सिर्फ डिफेंस ही नहीं, होममेड सबमरीन ड्रग स्मगलर्स ने भी बनाना सीख लिया है, जो कि लो नॉइस प्रोड्यूस करते हुए रिवर्स के चैनल्स के थ्रू ड्रग स्मगलिंग करने लगे हैं। अब ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग से बचने के लिए लॉस इंडिया में क्या क्या है? सबसे पहला प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974, बिनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988, नारकोटिक ड्रग्स एंड फिजिकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यूएन ग्लोबल प्रोग्राम अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस 1988।